जन्म सदा अंधकार ओम शांति। ओम शांति। आपका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में और आज है सातवां दिन पवित्रता की पर्सनालिटी, पवित्र आत्मा की महसूसता। और अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे।
Om Shanti. Om Shanti. Yes, flowers look beautiful. जी हाँ, फूल सुंदर लग रहे हैं ना. Beautiful, 80 roses. सुंदर 80 गुलाब के फूल हैं और इतने सुंदर उनके रंग हैं. We want to share all that beautiful. तो हम ये सारी सुंदर फूल जो आए हैं इतनी दूर से बाबा के घर के लिए, बाबा के परिवार के लिए, आप सबके साथ भी बांटना चाहते थे. तो पूरे पर्व पूरा अव्यक्ति परिवार इसका आनंद ले सकता है. बहुत सुंदर इसके रंग भी हैं. तो जी हाँ, महसूसता, और उसको कहते हैं महसूसता शक्ति. तो मैं समझती हूँ कि एक दिव्य गिफ्ट है अगर किसी को महसूसता होती है, रियलाइजेशन होता है, क्योंकि महसूसता जरूर से उसका गहरा संबंध है पवित्रता के साथ या एक साफ दिल के साथ संबंध है. जब दिल साफ होता है और आप कुछ पकड़ के नहीं रखते पुराना बीती से या अपने प्रति या किसी और के प्रति, तो आपका दिल बहुत साफ होता है. और वो उस साफ दिल के साथ, उस पवित्रता के साथ, आप तुरंत ही महसूस करते हैं कि कहां मैं बेहतर कर सकती थी. नहीं कि कहां मैंने गलती करी, लेकिन कहां मैं बेहतर हो सकती थी. तो जब ये महसूसता होती है कि मैं इसको बेहतर कर सकती थी या कुछ ऐसा कह सकती थी जो ज्यादा अच्छा होता या जिससे सुख मिलता, खुशी मिलती, तो उस महसूसता से तो हम उसको तुरंत ही परिवर्तन कर सकते हैं. और वो जो परिवर्तन होता है उससे बहुत, सिर्फ ऐसे नहीं कि उससे सिर्फ शक्ति बढ़ती है पवित्रता की, लेकिन उसके साथ साथ संतुष्टता भी आती है. और फिर जो व्यक्ति जो अपने आप को परिवर्तित करता रहता है और पवित्रता की ओर और आगे उन्नति की ओर पाता है, तो वो हमेशा बहुत हल्का रहता है. लेकिन अगर अंदर में महसूसता की शक्ति की कमी है, जैसे कि अंदर रेजिस्टेंस है या जैसे कि हम स्वीकार नहीं कर रहे उसे, जैसे जूझ रहे हैं कि मुझे बेहतर होना है, तो मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, मुझे और जैसे कि मेरे अंदर और परिवर्तन चाहिए. और वो जो आत्मा जिसके अंदर महसूसता होती है, वास्तव में जैसे कि मैंने कहा कि एक शक्ति है ना जो हर एक के अंदर है, तो कई बहुत समय लेते हैं महसूस करने के लिए कि क्या उनके संस्कार हैं, कि उनके संस्कार उनको कोई रीति से व्यवहार करने पे मजबूर करते हैं या उनको कोई रीति से वो बात करते हैं. तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पवित्रता के साथ जो मेरी पर्सनैलिटी है वो भी सच्चाई वाली हो, लेकिन मीठी भी हो और बहुत निर्माण हो. तो हर क्षण जो जीवन में है उसमें महसूसता हो सकती है. और महसूसता ऐसे नहीं कि हम बैठ जाएं कोने में जाके और फिर हम किसी बात के बारे में पछतावा करें या हमें दुख हो कि ऐसे क्यों करा या कि मुझे तो ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं, तो उससे क्या लाभ होएगा. लेकिन मुझे क्या जानना है, क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना, अगर वो बारी बारी मन में आएगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, तो हम स्पष्ट नहीं होंगे कि हमें करना क्या है. और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरे अंदर ये विशेषता है कि मुझे तुरंत पता लग जाता है कि अगर मैंने ये इसको इस रीति से किया होता तो ये एक बेहतर तरीका था और इससे अच्छा निर्णय निकलता. लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ, जैसे कि मैंने ये नहीं कहा कि भावना
दुखी होना या अपना स्वमान कम हो जाना या अपनी क्षमता कम ऐसा महसूस करना नहीं, उसको बढ़ाते रहना अपनी महसूसता की शक्ति को कि बाबा उसको बहुत जोड़ते हैं महसूसता की शक्ति को एक साफ स्वच्छ दिल के साथ। तो बाबा कहते हैं स्वच्छ दिल कुछ भी पकड़ के नहीं रखेगा। तो ये सही में एक सुंदर गिफ्ट है हमारे जीवन में कि जहाँ पर मैं तुरंत ही महसूस करती हूँ और जब मैं महसूस करती हूँ और फिर मैं उसको परिवर्तन करती हूँ, तो अगर ये अगर बड़ी भूल है तो फिर मैं कहती हूँ सॉरी जिनके साथ भी वो हुआ व्यवहार, और फिर मैं बाबा के पास जाती हूँ और फिर मैं ये कहती हूँ कि हाँ हो सकता है मैं ऐसे कर सकती थी तो मैं उसको बेटर कर सकती थी। कुछ भी हो, चाहे सिर्फ ये नहीं कि स्व का परिवर्तन है, लेकिन जब हम व्यवहार में आते हैं औरों के साथ तो आप बहुत आपकी बहुत सम्मान होगा अगर आप तुरंत ही महसूस कर लें और कहें कि मैं इसे बेटर करूंगी, मैं इसको और बेहतर रीति से कर सकती थी। मुझे लगता है कि मैंने दादियों को भी देखा और उनकी जो अंतर्मुखता थी, तो हमेशा एक सीखने की चाह। तो वो व्यक्ति ऐसा लगता है जैसे कि जो व्यक्ति कुछ विशेष लेता है और आगे बढ़ता है बहुत ही खुशी से। तो मुझे लगता है कि आप सबने भी अंदर में महसूस किया होगा कि महसूसता शक्ति क्या है। तो कई महसूस करते हैं और कई फिर वो बहुत उदास हो जाते हैं, और कई महसूस करते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मैं इस अगली बारी मैं इससे बेटर करेंगे। तो बहुत जो होते हैं स्वमान जो होता है, खुद पे जो विश्वास होता है, और जैसे कि बाबा ने कहा कि अपने अपने सत्य स्वरूप की पहचान भी उससे आती है। तो पवित्रता, संतुष्टता और महसूसता शक्ति, वो सारे जो हम क्या हम देखने की कोशिश करें कि जैसे आपकी पवित्रता बढ़ती है तो जो पर्सनैलिटी होती है पवित्रता की, तो ये जो विशेषताएं हैं ये दिखेंगी, ये और ये आप अनुभव करेंगे ये शक्तियों को। तो एक जो उनमें से है वो है महसूसता शक्ति, क्योंकि तो पहला जो शब्द है लोग कहते हैं ना कि स्व खुद की महसूसता, क्या होती है खुद की महसूसता? बाबा कहते हैं कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, और फिर सत्य जो है वो आपका आपका मुख्य गुण बनता है कि अपने आप को जानना कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। तो ये खुद की पहचान, खुद की महसूसता है, और जब खुद की पहचान और महसूसता होती है तो फिर उसमें वहां पे हम बेहतर होते हैं कि मैं संपन्न बनूंगे। तो उस पर आप सोचें, चिंतन करें और देखें अपने अंदर कि क्या हमारे अंदर महसूसता शक्ति है, या कोई कहीं पे जिद्दी संस्कार है, या कहीं पे स्वीकृति नहीं है अपने संस्कारों की तरफ, या उसके प्रति खिंचाव है। तो सोचे उस पर और उस पर चिंतन करें। ओम शांति। देखो ये बाबा पहली शक्ति है हमारे को, बाबा
बाबा का हाथ है, बाबा का साथ है और बाबा की शक्ति है और बाबा के सेवा में खुशी है, इसलिए थक ऐसा तो मैं नहीं समझती हूँ। कभी हम कहूँ मैं तो आज थकी पड़ी हूँ, ऐसा न फील होता न होता। टाइम पर आराम किया ठीक है, कभी थक होता भी है, आराम किया चलो थके हैं एक आधा घंटा आराम किया, थक खत्म पूरा हुआ। आधा घंटा बहुत बहुत एक घंटा आराम करो सब तक खत्म, बाकी तो खुशी में उड़ते रहो चलते रहो तो तन भी मदद करता मदद करता। खुशी में बाबा की खुशी से सेवा से बल मिलता और वो सेवा का बल शरीर को भी मदद करता। कहीं पूछते हैं दादी आपकी उम्र क्या है, मैं कहती हूँ अभी 70 शुरू हुआ 70, लेकिन मैं हमेशा समझती हूँ शायद मैं आप लोग जो इतनी 30-32 बरस की सदी वैसे समझते हम तो छोटे हैं, अभी हम इतनी छोटी हूँ कभी आता क्या स्टूडेंट लाइफ। इसका कारण है ये भी है दादी ने, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, स्टडी से प्यार है और सेवा से प्यार है। तो स्टडी से प्यार होने के कारण सदैव कभी ये अनुभव नहीं होता हम गृहस्थी है, न हूं न थी न कब ऐसा फील होता, हम स्टूडेंट हूँ स्टूडेंट तो सदैव मस्त रहता, इसलिए हम लोग स्टूडेंट है। सारी प्रवृत्ति लेकिन प्रवृत्ति मेरी थोड़ी है, बाबा की है, इसलिए कोई प्रवृत्ति नहीं। झमेले आते हैं फिर झमेले बाबा के है कि मेरे थोड़ी है इसलिए इतना अच्छा हल है, सारे झमेले आते अच्छा आया झमेला कुछ भी आया, कई प्रकारों के झमेले आते आया, उसका बीचा किया राय दिया जवाब दिया बात पूरी हुई। झमेला आया बाबा अब क्या करूं, बाबा बताता ऐसे करो हल दे दिया पूरी हुई था। तो नींद आती अच्छी, मुझे ये सबको पता है कि दादी की नींद आप यहाँ आएंगे अच्छा दादी ये बात है, मैं कहता अच्छा ओम शांति यूं किया मुझे पता ही नहीं आप खड़े भी हो या गए, मुझे ये भी नहीं है ना, ये बाबा की मदद है। मैं आप मिनट कहो मैं मिनट भी नहीं कहती, मैं सिर्फ ऐसा करूंगी एक सेकंड में नींद आएंगी, चाहे कितने भी झमेले से जाएंगी कमरे में, कई बार होता है झमेला हुआ ये हुआ अच्छा ओम शांति ये हुआ बस ऐसा किया और नींद आ जाएंगी। पूछो कमरे में जो हमारे रहते उनको पता है, नहीं देखो हम आपको बताएंगे देखो। ओम शांति ओम शांति। धन्यवाद। तो आपको बताने के लिए आज है सैटरडे और हमारा दीदी के साथ और एक भाई के साथ रूह रिहान रहेगी, तो हमारे साथ बने रहे। और इससे पहले कि हम अपना होमवर्क लेंगे और ड्रिल करेंगे और अपनी रूह रिहान शुरू करेंगे, तो आपका स्वागत है सिस्टर शरीन एंजल, आपका स्वागत है। ओम शांति शरीन बहन कह रहे हैं गुड इवनिंग दीदी। तो वो इतना प्यारा था ना दादी जी के साथ, क्योंकि जब भी मैं और सुनती हूँ दादी जी को या उनके कोई भी हमारे पूर्वज आत्मा को, तो इतना भाग्यशाली है कि ये हमारे जो है रोल मॉडल हैं, ये हमारे कैसे आप सोच सकते हैं कि कैसे कितनी खुशी कितनी पवित्रता कितना स्नेह उस आत्मा में है, तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि वो हमारे लिए हैं। और उन्होंने जो है यज्ञ के लिए एक आधार बने या उन्होंने, तो उस ये कहते हुए आज हम अपना होमवर्क लेते हैं। तो पवित्र आत्मा की महसूसता,
मैं वही आत्मा हूँ जिसने बाबा से सारे अधिकार प्राप्त किए हैं हर कल्प में. मैं पवित्र आत्मा कोटों में कोई कोई में भी कोई आत्मा हूँ जिसने बाबा को पहचाना है. इसलिए मैं आत्मा अपने लायकपन का एहसास करती हूँ, उसे स्वीकार करती हूँ और मैं देवकुल की आत्मा बनूंगी. और अब हम अपनी ड्रिल करेंगे पवित्र आत्मा की महसूसताएं. I am that soul. मैं वही आत्मा हूँ जिसने बाबा से हर कल्प अपने अधिकार प्राप्त किए हैं. By the pure soul. मैं पवित्र आत्मा हूँ कोटों में कोई कोई में भी कोई जिसने बाबा को पहचाना है. Therefore, इसलिए मैं आत्मा लायक हूँ इसकी महसूसता कर रखती हूँ, इसको स्वीकार करती हूँ और मैं ही एक देवताई आत्मा बनूंगी. I am that same soul. मैं वही आत्मा हूँ जिसने बाबा से हर कल्प अपने अधिकार प्राप्त किए हैं. By the pure soul. मैं पवित्र आत्मा हूँ जो कोटों में कोई कोई में भी कोई हूँ जिसने बाबा को पहचाना है. Therefore, इसलिए मैं आत्मा लायक हूँ इसको महसूस करती हूँ, स्वीकार करती हूँ और मैं ही वो देवकुल की आत्मा बनूंगी.
ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। इससे पहले कि हम अपनी अव्यक्ति यात्रा शुरू करें, मैं आपको कल का स्केड्यूल बताना चाहूंगी। तो कल है संडे, अमृत वेला रहेगा 3:30 to 5:30 तक। मेडिटेशन शुरू होगा 6 बजे और साकार मुरली रहेगी हिंदी में, और उसके बाद यूनाइटेड योग रहेगा 3:30 to 8:30 तक। 7:45 भोग रहेगा और 8 बजे अव्यक्त मिलती होगी 8 to 9:30 तक, और शाम को शाम की भट्टी रहेगी 6 to 6:20 तक, और स्पॉटलाइट दृष्टि शेयरिंग होगी 6:20 to 7:00 तक, और श्रृंखला रहेगी और अव्यक्ति यात्रा। और कल है 14वां एपिसोड है कल अमर कथा का। धन्यवाद। और अब हम अव्यक्ति यात्रा में आपका स्वागत है। अव्यक्ति परिवार की रूरेहान, दिल से दिल की रूरेहान जो दिलों को छूती है। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे प्यारे एरिक भाई को। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। थैंक यू एरिक भाई। कह रहे हैं धन्यवाद प्यारी भूमि बहन, और अभिनंदन, और हरेक को गुड इवनिंग, और मोहिनी दीदी को गुड इवनिंग, ओम शांति। जब भी हम दादी कुमार का को सुनते हैं तो मैं सोचता हूँ क्यों हम सारे मुस्कुराते हैं। कैसे होता है ना ये कि जैसे ही दादी बोलना शुरू करते हैं तो जो हमारी भावना होती है दिलों में वो बदल जाती है। मुझे याद है कि जब हम उनको देखते थे मधुबन में, तो मुझे हमेशा उनके साथ इतने अच्छे अनुभव रहे कि चाहे ओम शांति भवन में होए, चाहे जैसे ही दादी आती थी चलते हुए स्टेज पर, तो मुझे याद है हर कोई जैसे कि जैसे उनकी जो शरीर जो होता था वो भी ऐसे चेंज हो जाता था, सब ऐसे अलर्ट हो जाते थे, मुस्कुराने लगते थे। तो क्या है, तो मोहिनी दीदी की क्या था, दादी प्रकाश मणि जी का क्या राज था कि उनको देखते ही सब खुश हो जाते थे। तो मैं वही करना चाह रहा हूँ, वही स्थिति लाना चाह रहा हूँ। तो मैं चेक करूँ लेकिन ये काम नहीं कर रहा। तो जैसे ही मैं आता हूँ चल के आता हूँ तो मेरे को सेम परिणाम नहीं मिलता। तो मैं तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं ये सच है, क्योंकि हाँ मैंने भी वो महसूस किया। लेकिन एक बार दादी न्यूयॉर्क में आए, और वो था मुझे लगता है कि 1988 रहा था, या पता नहीं, मुझे नहीं, आप पता नहीं आप या थे, उन्होंने कहा मैं था। तो जब पहली बार जब हमने एक प्रोग्राम बनाया तो मीडिया के लिए हमने अरेंज करा, तो हमने सोचा कि तो एक जो संकल्प था हमारे को जब प्रोग्राम शुरू हुआ उससे पहले, तो बहुत सारे लोग थे, 85 लोग थे जो मीडिया से। तो हमने फैशन इंस्टीट्यूट है जो न्यूयॉर्क में, तो वहां पे किया था, तो अच्छा हॉल है वो वाला। तो हमने कहा कि चलो करते हैं। तो दादी हमेशा कहते थे कि कुछ नया करो। तो जब दादी आए और उन्होंने बात करना शुरू किया, तो वो जैसे कि पर सत्युग का जैसे वो दृश्य बना रहे थे कि कैसी दुनिया होगी। तो जैसे कि हमने सोचा कि पता नहीं कैसे लोग स्वीकार करेंगे, लेकिन पूरी तरह से साइलेंस हो गया था एकदम, और लोग जो सही में सुन रहे थे ऐसे बड़े ध्यान से, और जैसे आश्चर्य के साथ, जैसे कि आपने कहा कि जो उनकी उपस्थिति ने ऐसा वो रचा बहुत ही सुंदर, जैसे कि एक ऊर्जा और वायुमंडल रचा जहाँ पे लोग उसको मानने लग गए थे, और वो बहुत हल्का और वो अपनेपन की उनको भासना आ रही थी। तो हाँ हम सबको भी वैसा ही बनना है। तो अब तो अगर ये राज है तो मुझे नहीं पता होगा ना क्योंकि वो राज है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका जो साफ दिल था, उनका जो जो उनका स्नेह था, जो सच्चा स्नेह था हर एक के प्रति, सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ स्नेह था, वो सही में हर एक से बहुत स्नेह करते थे। क्योंकि हमारे लिए क्या होता है कि चाहे स्नेह है तो धीरे धीरे फिर वो स्नेह नहीं होता, लेकिन बहुत सूक्ष्म में अंदर डर होता है कि हमारे कहीं से मोह ना हो जाए, या फिर डर होता है कि लोग क्या मेरे से अब आश रखते हैं। लेकिन वो अंदर में इतना जैसे कि मुक्त थी, जैसे कि
तो उनकी जो जो मूर्त थी कि रूहानी प्रेम की जो, तो कोई परिस्थिति आती थी तो उसको वो ठीक कर देती थी और थोड़े सेकंड्स में वो सो रही होती थी। तो मैंने वो खुद देखा, क्योंकि जब वो न्यूयॉर्क आए थे तो आपको होता ना कई बार बेडरूम में हम सारे बात कर रहे होते थे, तो जैसे कि बाकी बहनें भी आस पास होती थी, तो जब हम बात कर रहे होते रूरिहान, तो हमने देखा कि दादी जी, तो दादी तो अभी सो ही रही थी, तो फिर वो उठती थी और वो कहती थी ओ तो आप सब क्या कर रहे हैं। तो जैसे कि बहुत ही गहरा जो कहीं ना कहीं एक पवित्रता थी, जो क्योंकि जहाँ पे वो कुछ भी पकड़ के नहीं रखती थी, कोई पुराना या किसी के भी प्रति, और बहुत साफ और स्वच्छ दिल था मैं कहूंगी। और जहाँ पर दिल साफ होता है तो जो खुशी होती है, जो हम उसको रख पाते हैं स्वाभाविक रूप से, तो मुझे लगता है कि वो ऐसी एनर्जी हमारे लिए बनाती है कि हमें ऐसे महसूस लगता, हम खुश महसूस करते हैं, और साथ में उनकी उपस्थिति में हम बहुत ही निश्चिंत हो जाते हैं। मुझे याद है कि एक बारी एक कोई परिस्थिति आई तो सुने बिना ही उन्होंने कहा ओ आपको तो कभी नहीं होगा, आप तो इसको ठीक कर सकते हो, तो वो सुनना भी नहीं चाहती थी। तो और फिर मैंने कहा कि ठीक है, तो ये मेरे लिए वरदान है। तो मैंने ये कहा ना कि दादी आपने मुझे समय नहीं दिया, तो मैंने कहा ठीक है, अगर वो कह रही हैं कि हो तो मेरे लिए वरदान हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो आत्मा होती है कि वो सच्ची में, जो अंदर में सच्ची से पवित्रता होती है, और जो उनका स्नेह होता है वो सच्चा स्नेह होता है, जैसे कि रूहानी स्नेह होता है। तो एक भाई कह रहे हैं कि मुझे तो बहुत सुंदर सीन याद है न्यूयॉर्क में, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस का जो प्रोजेक्ट था, तो एक कम्युनिटी हॉल था या कहीं पे, मुझे लगता है कि हो सकता है न्यूजर्सी में था या मेरे को पक्का नहीं है, तो कोई वरिष्ठ भाई नहीं थे। और क्या हुआ कि जैसे कि दादी जी बात करना शुरू करते थे, तो हमें नहीं पता था कि हम सारे डांस करने लग जाते थे। कितनी बारी ऐसे होता था मुरली के बीच में या क्लास में हम सारे उठ के ऐसे डांस कर रहे थे। एक बारी एक बहन आई, वो ट्रांस में चली गई, और वो जैसे कि वो सही में ऐसे डांस करने लग गई कि वो ध्यान में, तो हमें पता था कि वो ध्यान में चले गई। और दादी आए और उन्होंने उनके हाथ पकड़ा और जैसे उनको अपने पास लेके आए कि उनको जैसे वापस लेके आए कि जैसे कि आओ नॉर्मल में जैसे वापस लेके। और मेरे लिए जैसे कि था 2-3 साल ही होते मुझे तो ज्ञान में, मैंने कहा अरे वाह क्या सीन है, इतना सुंदर सीन है। तो जो उनका जो स्वाभाविक जो समीपता थी हम सबके साथ वो बहुत ही निराली थी। तो मुझे पता है कि मधुबन में हम जब उनको देखने जाते थे तो बहुत सारे भाई नहीं होते थे, ज्यादातर बहनें होती थी। तो ये जब मैंने साड़ी और एरे का नहीं बनी थी तब मैं, तो तब मैं एरे की था बिल्कुल भाई और मैं गया था। और जब उन्होंने मुझे देखा तो बहुत सारी बहनों ने कहा कि नहीं नहीं नो भाई नहीं आएंगे यहाँ पे, और दादी जी ने कहा नहीं नहीं आओ भाई आओ। तो वो अपनी कंघी कर रही थी, अपनी बाल बना रहे थे, अपनी साड़ी पहन रही थी, तो जैसे कि मोहिनी बहन के साथ। तो मैं, मेरे आंसू आ गए, इतना सुंदर, जैसे कि दादी अपने बाल खुद ही बनाती थी और वो इतना स्वाभाविक होता था। तो मैंने कहा दादी मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, मुझे मधु बनाना है, तो आपके साथ ही रहना है, तो दादी तो सतयुग में ताकि हम इकट्ठे रहेंगे। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा नहीं नहीं कोई भाई नहीं, ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं है कि मेरे साथ रहोगे तो आपको संस्कार सेम बनाने होंगे, सही वैसे बनाने होंगे तो हम सतयुग में इकट्ठे आएंगे। तो मैंने कहा ओ अच्छा, उन्होंने तो मुझे होमवर्क दे दिया। तो मोनी दीदी कह रही है इतना दिलचस्प है कि उन्होंने आपको अंदर जाने दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी जाती थी और मैं सोच रही थी कि आज जैसे कि मेरे लिए जब मैं तैयार हो रही होती हूँ तो मुझे अकेला होना होता है, मुझे ऐसे एकाग्रता चाहिए होती है, लेकिन उनके साथ तो लोग आते जाते रहते थे उनके कमरे में और वो बैठ रहते थे और वो जैसे कि तो अपने बाल बना रही होती है, जो कुछ भी कर रही होती है, तो उनको वो करना होता था। तो उन दिन तो जैसे कुछ है, जैसे कहें कि अंदर में भोलापन है या पवित्रता है इतनी कि उनको कुछ भी ऐसे संकल्प नहीं है कि, तो मुझे लगता है कि हाँ जरूर से भाई जो है उनको भी बहुत समीप महसूस होता है। मुझे पता है कि जो चार्ली भाई है और जो केन भाई है, क्योंकि जब वो ऑस्ट्रेलिया गए थे तो केन भाई उनके लिए भोजन बनाते थे, तो वो जाती थी और फिर वो भी भोजन बनाने शुरू कर देती थी उनके साथ। तो हाँ, तो जो उनकी पवित्रता थी, उनका स्नेह था, तो मुझे लगता है कि वो ऐसे बनी हुई थी ना, है ना। तो क्योंकि तो वो जरूर से पुरुषार्थ करती होंगी, लेकिन जो उनकी सबसे पहली जो गुण कहेंगे, नंबर 1 गुण कहेंगे, वो उनकी गुण उनके अंदर था।
तो एरिक भाई कह रहे हैं कि मुझे अच्छा लगा जैसे आपने बात करी महसूस था कि मुझे अच्छा लगा और आपने बताया कि जो महसूसता होती है कि अपने खुद की व्यवहार की अपने खुद की आदतों की, तो हमने बाबा की भी एक सुनी, बाबा बता रहे थे कि जो महसूसता होती है कि हम महसूसता कि मैं एक आत्मा हूँ और ये पहचानना कि परमात्मा को, वो एक फाउंडेशन है पवित्रता की और वही एग्जैक्टली वही मैं उस पर चिंतन कर रहा था और ये बहुत दिलचस्प हुआ जानना कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। तो एक तरफ बाबा कहते हैं कि आत्मा जो है वो पतित बन गई है और उसको पतित से पावन बनना है और दूसरी तरफ हमें कई बार ये महसूस करना होता है, रियलाइज करना होता है कि मैं पवित्र आत्मा हूँ। तो मैं सोचा था कि आप क्या सोचते हो कि आत्मा सही में परिवर्तित होती है कि ये सिर्फ जैसे कि ये संस्कार है या जो कि हम कैसे जानते हैं अगर मैं अपने पवित्रता के साथ रहूं तो पवित्रता तो पहले से ही है ना आत्मा के अंदर, ऐसा तो नहीं कि पवित्रता को बाहर से तो नहीं आना कि ये कोई इंजेक्शन डालना है या कोई टोली से या जैसे भी, तो बाहर से तो नहीं, अंदर तो नहीं आती ना आत्मा की, वो तो है ही पहले से ही आत्मा के। तो मुनि दीदी कह रहे तो आत्मा पवित्र है लेकिन जो पवित्रता की जो डिग्री है वो समय पर है। तो जितना मैं महसूस करती हूँ और सोचती हूँ और हाँ जरूर से मेरे संकल्प शब्द द्वारा मैं उसको जमा करती हूँ या उसको बढ़ाती हूँ पवित्रता को, तो अगर हम चाहते हैं कि हमें 100% पवित्रता चाहिए लेकिन आत्मा को, आत्मा ने वो खो दी है ना, बहुत सारी परसेंटेज तो खो दी है हमारे, हमने हमारे पास पूरी थी और हमें दोबारा से वो पाना है अपना स्वराज्य, हमें जमा करने हैं वो और तो हमें पवित्र होना है दोबारा से, तो उसको 100% बनाना है। तो बेसिकली क्या है कि जो आत्मा की जो ऊर्जा है वो पवित्र ही है लेकिन उसकी जो वो कम हो गई है और बहुत कम रह गई है जैसे कि, और हम उसको बढ़ाते रहते हैं उस पवित्रता के स्तर को। लेकिन ये बहुत बहुत अच्छा अभ्यास है जो अभी जैसे बताया गया कि अगर मैं सोचती रहूं कि मैं पवित्र आत्मा हूँ तो वो महसूसता हो, वो पहचान हो और मुझे 100% पवित्र बनना है पावन, तो ये जो स्मृति है कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ ये मुझे मदद करता है, ये मेरे वृत्ति में आता है, मेरी दृष्टि में आता है, मेरे व्यवहार में आता है दूसरों के साथ। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा अभ्यास है और मैं खुद भी इसको करना चाहूंगी और ज्यादा। तो चाहे अटेंशन रहता है पवित्रता के ऊपर लेकिन उसको पूरा समय वो स्मृति रहना कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, तो वो सही में हमारे को बहुत परिवर्तन ला सकता है हमारे संकल्पों में, शब्दों में, कर्मों में और हम जो कार्य व्यवहार करते हैं औरों के साथ। तो एरिक भाई कह रहे हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि जो संकल्प हम सोचते हैं कि जो संकल्प है कि मैं पहले सत्ययुग में था पवित्र, अब कलयुग है और मैं पतित हूँ, लेकिन अगर हम ऐसे सोचें कि आत्मा जो है वो इस समय पे नहीं है, वो सिर्फ जैसे अनादि है, तो ये जैसे कि ऐसे नहीं कि जैसे रेडियो को सुनते हैं, रेडियो में क्या होता है तो इतने सारे स्टेशन होते हैं रेडियो में, तो एक समय पे बहुत सारे स्टेशन आ रहे होते हैं और मैं सिर्फ एक स्टेशन को चुन लूँ कि ये चुनना है या ये चुनना है, तो आपको क्या लगता है कि जो जो सत्ययुग का जो रेडियो स्टेशन है वो आ रहा है लेकिन हम सुन नहीं रहे, लेकिन अगर मैं ट्यून इन करूं उसके साथ तो मैं सुन लेता हूं और मैं एहसास करता हूं कि मैं तो इतनी सुंदर आत्मा हूं। तो मैं सोच रहा था कि क्या ये शॉर्टकट है मेरे लिए क्या है, लेकिन अगर पुरुषार्थ करने के लिए कि मैं पवित्र बनूं, क्यों ना मैं सुनूं वो रेडियो स्टेशन को जो पवित्रता का, और बाकी जो चीजें उसको सुनना बंद कर दो, तो फिर मेरे को लगेगा महसूस ना कि मैं पवित्र हूँ क्योंकि वो मेरे अंदर है ही ना, वो पूरी रिकॉर्डिंग मेरे अंदर पहले से ही है, जैसे पूरा पवित्रता का पार्ट मेरे अंदर है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ या फिर? तो मोहिनी दीदी कह रहे कि हाँ जरूर से ये स्मृति बनानी है ना, तो हाँ अगर आप स्मृति बना रहे हैं तो फिर आपको सिर्फ महसूस ही नहीं होगा लेकिन आप जरूर से अनुभव भी करेंगे, लेकिन वही चीज तो है ना, सारी चीज तो स्मृति की है, तो वो तो स्मृति तो रहती नहीं है पूरा समय, हम दोबारा से जैसे कि संस्कारों में आ जाते हैं या देह भान में आ जाते हैं। तो वही बाबा बता रहे हैं कि वो स्मृति बनाए रखना पूरा समय, और इसीलिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है कि देखिए मैं एक देव कुल की आत्मा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो स्मृति है और ये जो अभ्यास है ये हमें अनुभव देता है कि जैसे हम रेडियो को सुनते हैं तो सिर्फ सुन नहीं रहे होंगे लेकिन आप महसूस करेंगे ना, आप अनुभव करेंगे उसको। तो मैं आपके साथ मानती हूँ इस बात को, लेकिन उसमें पुरुषार्थ तो है कि वो स्मृति को बनाए रखना, वो
तो हाँ बनाए रखना. तो एरिक भाई कह रहे कि आपका अनुभव क्या रहा कि हाँ जरूर से आप बहुत सारे हम में से यही अनुभव करते हैं कि जब हम ज्ञान में शुरू आते हैं तो हम आत्मा को जानते हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ हम जानते हैं आत्मा क्या है, और 3 महीने बाद क्या होता है, कहते हैं नहीं अभी मुझे पता लगा आत्मा क्या है, और फिर 6 महीने बाद कहते हैं नहीं नहीं अभी मुझे सही में पता है कि आत्मा क्या है. तो हम जैसे ही जो आगे बढ़ते रहते हैं और बड़ा जैसे कि और जो परिभाषा कह सकते हैं या बहुत रिफाइन हो जाते हैं इसमें, तो आपका अनुभव क्या रहा कि जैसे और गहराई में अपने अंदर अपनी गहराई में जाना, आपको लगता है कि आपको वो महसूस था, वो रियलाइजेशन है कि ये सही में आपको पूरी तरह से एक अलग स्थिति में ले आई कि जहाँ पे आप वापस नहीं गए उसके बाद? तो मोहिनी सिस्टर कह रहे कि हाँ जरूर से वापस तो नहीं जाते, और जब ये स्मृति होती है और आती है तो आप बहुत दिव्य महसूस करते हैं. तो जैसे कोई अंदर में अंदर की दिव्यता जो है, मैं हमेशा कहती रहती हूँ आज मैं एक बहुत ही एक आनंद में हूँ अंदर में, एक जैसे कि अंदर की महसूसता होती है कि हम एक जैसे कि हेवन में हैं, और मुझे महसूस होता है कि कई बार हम सही में सोचते हैं कि हाँ एक ऐसी दुनिया होगी जहाँ पे स्वर्ग होगा, लेकिन अंदर में वो हमें अभी अपने अंदर बनाना है. और सुबह के समय या फिर एक बारी हमारी जो बहनें वो इतना नशा चढ़ गया था उनको, तो वो किचन में थी और वो किचन साफ कर रही थी, और वो वहां पे अपने अपने झाड़ू और उसके साथ डांस करने लग गई थी. आपने वो सबने देखा होगा ना, तो वो अपने वो वहां पे डांस कर रहे थे और वहां पे उन्होंने औरों के साथ भी डांस करा, आपने सबने देखा होगा ना. तो उन्होंने मुझे वो उसका पिक्चर दिखाई और उन्होंने एक सेंटर को भी कॉल करा. तो वो बहन हमारे बहुत समीप है और उन्होंने कहा कि वो उन्होंने कहा डांस देखो. तो उन्होंने कहा कि आप सिस्टर मोहिनी जानती है कि आप सारे किचन में ऐसे डांस करें? तो वो सारे ऊपर आ गए. उन्होंने कहा हम तो मैं तो सो रही थी, तो हम हमें अपना डांस दिखाना चाहते थे. तो मैंने कहा कि हाँ ये बहुत अच्छा है ना कि अनुभव करना, वो अतींद्रिय सुख को अनुभव करना, तो डांस करना जहाँ पे भी आप हैं, और उनको बहुत पसंद है डांस करना. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे कि मैंने कहा कि जैसे कि ब्रह्मा बाबा जो हिस्ट्री हॉल में, तो कई बार वो अकेले होते थे और वो जैसे कि उनके हाथ ऐसे चलने लग जाते थे, तो हम उसको डांस तो नहीं कहेंगे जैसे कि एक तो वो हमारे जैसे कंट्रोल में नहीं होते. कोई अंदर में बहुत गहरा जैसे खुशी का अनुभव होता है कि आप उस पर डांस करना चाहते हैं, मुझे कैसा, हम उसको रास कहते हैं ना, रास करने लगते हैं. तो जो श्री कृष्ण, तो मुझे लगता है कि सिर्फ ये नीचे नहीं जाना है, लेकिन मोस्टली क्या होता है क्योंकि हम कर्म योग होते हैं तो हमारी जो बुद्धि होती है वो होता है कि कार्य की ओर होता है कि कार्य खत्म हो जाए, लेकिन अगर हम उन भावनाओं को आने दें तो वो और हो जाएंगे ना. लेकिन क्योंकि हमें ध्यान देना होता है, हमें कार्य करना होता है, लेकिन हाँ जरूर से हर रोज वो बढ़ता तो है ही ना. तो हमारी जो भावनाएं होती हैं वो देव कुल की स्वर्ग में जाने की, हम तो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं ना जाने के लिए. तो एरिक भाई कह रहे हमारा नशा तो बहुत निराला होगा. मुझे नहीं लगता कि लक्ष्मी नारायण तो कोई ऐसे पॉट्स और पैंस के साथ और झाड़ू के साथ डांस करेंगे, तो मैं आपको भी नहीं देख सकती कि आप भी स्पून वगैरह के साथ रास करेंगे. तो मुझे लगता है कि आप सही में बहुत अच्छी आपकी रिदम थी ना, आप बहुत एंजॉय करते थे डांस को, मुझे पता है. तो मोनित सिस्टर कह रहे हैं क्योंकि वो तो नशा था ना, कि नशा कि अतींद्रिय सुख का नशा, तो जब आप उसमें होते हैं तो अपने आप रिदम आ जाती है, तो आपको जानना नहीं होता, सीखना नहीं होता, तो ये सच है. तो एरिक भाई जो चाय सिस्टर्स ड्राइव कर रहे हैं तो हमें उनको कहना होगा कि वो ध्यान रखें कि ड्राइव करते वक्त अतींद्रिय सुख में ना जाए, क्योंकि अगर वो ऐसे ड्राइव कर रहे होंगे तो उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी. तो अगर हम वापस जाते हैं इस महसूसता की ओर, तो जब बाबा बात करते हैं मुझे साथ, तो मुझे लगता है कि तो एक राज होता है कहीं ना कहीं, उसमें राज है. जब बाबा ने कहा जो पवित्रता आती है महसूसता से, आत्मा की महसूसता से और बाबा की पहचान से और प्राप्तियों से, तो आप हमें बताते आ रहे हैं कि कितने महीनों से कि या साल से मैं कहूँ कि जो प्राप्तियां इतनी जरूरी हैं, तो हमें अनुभव करनी है वो प्राप्तियां. जैसे कि कल आपने बताया पुरुषार्थ प्राप्तियां जो जिससे संतुष्टता आती है, तो कैसे मैं हम मदद कर सकते हैं हम अपनी महसूसता की स्तर को कि हम उस स्तर तक लेके आए ताकि हम उसको और जैसे हम और
तो चाहे साइलेंस में जाए या क्वाइट होके शांति में बैठे, तो कैसे महसूसता बढ़ाएं आत्मा के? तो मोहिनी सिस्टर कह रहे हैं कि ये स्मृति है ना कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, तो जितनी बार चाहे एक संकल्प ही, चाहे थोड़े संकल्प या थोड़े क्षणों के लिए क्यों ना हो, जब पूरा दिन अगर हम इसे करते रहते हैं तो अब तक भी कुछ ना कहीं हम उसको, हम इस अभ्यास को कर्म योगी के रूप में नहीं ला पाते। लेकिन जितना हम इसको लाते हैं, तो मुझे लगता है कि बाबा ने हमें समय दिया है और हम जो है तो जैसे कि तो सेवा जो हद की है, हम अभी बाहर नहीं जा रहे, हम यात्रा नहीं कर रहे, तो अगर हम ध्यान दें तो जैसे कि उसे रेगुलरली करें, तो मैं अपने आप को भी याद दिलाती हूँ ना, और मैं कहती हूँ कि आज मैं करूँगी। तो कई कई दिन तो सुबह हम करते हैं और फिर जो कार्य होता है उसमें, तो लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम ध्यान दें तो वो तो है ही ना पहले से ही, तो जो हमारी पवित्रता है और जो स्नेह है बाबा के लिए, लेकिन ये पहचान में नहीं आ रही इस रीति से कि वो अनुभव में नहीं आ रहा, क्योंकि स्मृति नहीं है। क्या आपको ऐसे लगता है? एक भाई पूछ रहे हैं कि जो आपकी पहचान है बाबा के लिए वो बदल रही है, या कई बार आपको लगता है महसूस तो आती है कि ओ कुछ पहलू ऐसा बाबा का जो आपने पहले महसूस नहीं किया हो? तो मोनी दीदी कह रहे हैं कि जो पहचान होती है वो हमेशा जो, हाँ अगर मैं, जब आप सुनते हैं मुरली को, जैसे कि बाबा कहते हैं मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं कुछ चीजें कर सकता हूँ, लेकिन मुझसे कोई आश नहीं रखो कि मैं, जैसे कि अगर आप, बाबा कहते हैं मुरली में कितनी बारे कि अगर किसी ने शरीर छोड़ा तो हम कहे कि वो हमें वापस लेके आओ, तो बाबा ने कहा कि मैं वो नहीं करता। तो जैसे कि हम मुरली सुनते हैं तो वो हमें मदद करता है पहचानना, बाबा को और पहचानने में मदद करता है। और हाँ, जरूर से जो हमारे व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, मुझे याद है कि दादी जानकी ने एक बार कहा था कि जब ये बात आती है कर्मों के खातों को चुप करने के लिए, तो वो उसके बीच में नहीं आते, वो सिर्फ न्यारे रहते हैं। लेकिन उस समय पे अगर मैं उनको याद कर रही होती हूँ तो फिर वो मुझे मेरी मदद करते हैं। तो ये बहुत ही सूक्ष्म है ना कि कैसे अगर मैं याद करती हूँ तो मुझे मदद मिलती है। तो चाहे मैं अपने कर्मों के खातों को चुकतू ही कि ना करो, तो आज जैसे मेरे थोड़े सेशन थे इधर उधर, तो जैसे मैं उनको बता रही थी कि तो अगर कुछ भी है, मान लो कि हो नहीं रहा काम या जो शरीर है या कुछ भी है, तो व्यर्थ संकल्प लाने की बजाय, संशय लाने की बजाय, शक लाने की बजाय, सिर्फ बाबा को गहराई से याद करना है। और जितना हम उनको याद करते रहेंगे बाबा को, तो आप महसूस करेंगे कि आपको मदद मिल रही है, आप महसूस करेंगे बाबा की मदद, आप महसूस करेंगे कि वो है। लेकिन अगर मैं याद ही नहीं करूं और मैं कहूं कि अच्छा ठीक है बाबा मदद करेंगे, तो ऐसे कार्य नहीं करता। तो पहचान और फिर उसको अपने जीवन में लेके आना, बाबा की मदद को मान लो कि मैं अपनी हिम्मत रखूं, मैं विश्वास रखूं, तो बाबा मदद करेंगे। लेकिन अनुभव, लेकिन बाबा सही में मदद करते कैसे हैं, कैसे मैं महसूस करूं उस मदद को? तो वो ही कुछ जो मुझे लगता है कि, तो वो पहचान जिसे आप कहते हैं ना, कि कैसे जानना कि कैसे बाबा कार्य करते हैं, कैसे मदद करते हैं, कैसे वो इतने गुप्त हैं और कैसे वो अपने आप को उपस्थित करते हैं। तो ये जो सब कुछ है, ये सब पहचान है जो और जो होती है जितना हम उनके, बाबा के और समीप आते हैं। और मुझे कभी भी ऐसे नहीं महसूस होता कि मैं बाबा के समीप नहीं हूँ या बाबा मेरे समीप नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये हर एक के जीवन में ऐसा होता होगा ना, क्योंकि जानना परमात्मा को जैसे वो है, तो हर रोज अलग होता है ना, जरूर से हर रोज अलग होता है। तो एरिक भाई कह रहे हैं बाबा हमेशा अलग अलग फॉर्मूला मूल्यों में लगाते हैं ना। साकार मूल्य में भी उस दिन बाबा ने कहा कि देह भान आपको कमजोर बनाता है, बहुत कमजोर बनाता है, और आपको बहुत दूर भी कर देता है, बाबा से बहुत दूर ले जाता है। तो मुझे जिस सही में ऐसे लगा कि ओ अच्छा, तो क्या मुझे वो पता है कि जब भी मेरे अंदर देह भान आता है तो कोई किस, तो मुझे बाबा से दूर ले जाता है वो। तो मुझे इसलिए लगता है कि जो हमारा पुरुषार्थ है, जैसे कि आपने कहा हमारा वो सेशन हुआ था जो पिछले हफ्ते या उससे एक हफ्ते पहले हुआ था, तो बाबा मेरे द्वारा और करेंगे जब मैं उनको वो इजाजत देता हूँ। और मैं सोच रहा था, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या वो कर्मों का खाता है, कि अगर मैं ध्यान नहीं दे रहा,
अगर मैं बाबा को इजाजत नहीं दे रहा कि बाबा मुझे पूरी तरह से प्रयोग कर सके, लेकिन उसी के साथ साथ मैं ये भी सोच रहा था कि अगर मैं ध्यान नहीं दे रहा, मैं अटेंशन नहीं दे रहा, तो मेरा जो रेडियो स्टेशन है सत्युग का, वो मेरे पवित्रता का नहीं, वो उभरने नहीं देगा। लेकिन क्योंकि अगर मैं पवित्र कल था और आज मैं अच्छी स्थिति में नहीं हूँ, तो मैं ऐसे नहीं कि मैं कम पवित्र हूँ, मेरी कल की पवित्रता तो है ही ना, लेकिन मैं जैसे कि वहाँ बादल आ गए, जैसे कि वो, तो मैं उस पवित्रता को आने नहीं दे रहा। तो हो सकता है जो मेरी पवित्रता है सत्युग से, वो कुछ और कहने चाह रही है और मैं उसको इजाजत नहीं दे रहा उसको, क्या ऐसा है? तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि हाँ, इसीलिए कितने बाबा के जो बच्चे होते हैं वो सही में महसूस करते हैं कि हमें बाबा की उपस्थिति महसूस नहीं होती, हमें बाबा के समीप नहीं अनुभव करते, हमें प्यार नहीं अनुभव होता बाबा का। क्यों? क्योंकि देह भान है ना, या फिर शक या संशय आ जाता है, क्योंकि मन की पवित्रता नहीं है, बुद्धि की पवित्रता नहीं है, ताकि वो जो भावनाएं हैं। लेकिन वरना तो अगर हम सही में ध्यान दें, हम अपने मन की स्थिति पे और पूरा निश्चय रखें और स्नेह रखें, तो आप महसूस कर सकते हैं ना बाबा को, आप महसूस कर सकते हैं उनके स्नेह को, उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। तो मैं हर एक को यही कहूंगी, सजेस्ट करूंगी कि हाँ ठीक है, ये इसका सवाल नहीं है कि ध्यान देना है, बट अटेंशन देना है कि आप बनाए रखें थोड़ी एक गुण, वो पवित्रता का, प्रेम का, शांति का, ये जो गुण है आत्मा के, अपने मूल गुण है, ताकि आत्मा अनुभव कर सके ना। लेकिन अगर अपने आप को, लेकिन मैं वो अपने जो आत्मा के गुण है वो नहीं लेके आ रही, और मैं देह भान में हूँ, हमेशा मैं कंप्लेन कर रही हूँ, उलाहना दे रही हूँ, और हमेशा संशय, तो फिर हम सही में महसूस नहीं कर पाएंगे उस स्नेह को और बाबा की उपस्थिति को। तो जो पहचान है, लेकिन उसके साथ साथ बाबा मेरे जीवन में भी, तो ये बहुत ही व्यक्तिगत है ना। और जैसे कि आपने बताया कि ये हमारी स्थिति पर है, कुछ भी अगर देह भान छोटा आया तो आप परमात्मा के समीप नहीं महसूस कर सकते। तो हम जानते हैं कि मैं आत्मा के रूप में परमात्मा के संतान हूँ, ऐसे नहीं कि जो भी मैं फिजिकली या साकार रूप में हूँ उस रूप से मैं भगवान का बच्चा हूँ, नहीं, हम वो भूल जाते हैं। तो इसलिए ये महसूस था कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, और फिर पहचान, परमात्मा की पहचान, तो ये सही में समीप रखता है, बहुत समीप रखता है बाबा के। और हम जान पाते हैं जब समीपता होती है तो स्नेह जो है पूरा भरपूर हो जाता है, और स्वाभाविक रूप से शांत होते हैं, संतुष्टता, वो सारे गुण जो है वो महसूस होने लग जाते हैं, है ना। तो एरिक भाई कह रहे तो वो तो अच्छा लक्ष्य है ना रखने के लिए, और उसका निशाने क्या है जब हम सफल होते हैं, कि हम अपने किचन में होंगे और अपने खुद ही और चम्मच के साथ डांस कर रहे होंगे, तो वो वही प्रूफ है कि हमने वो कर लिया। तो बहुत प्यारा। तो अगर किसी को अपने आप को मिले कि वो किचन में रास कर रहे हैं करछियों के साथ, तो फोटो लेके मोनी दीदी को दे दें, ताकि हमारी अच्छी कलेक्शन हो उसकी, तो अगले संडे नाइट के प्रोग्राम के लिए, तो बहुत प्यारा होगा। धन्यवाद मोहिनी दीदी। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है आपके साथ ये गहराई में जाने के लिए संकल्पों में, तो मुझे बहुत आनंद आता है। तो अपने इसके बाद उनके साथ खेलने के लिए किचन में ही नहीं, लेकिन हर जगह। हाँ धन्यवाद दोबारा से। चम्मच आप खुद ही देख सकते हैं। वास्तव में कोई आया और मधुबन से टोली आई, तो हमें मधुबन से टोली मिल रही थी, तो कोई भी आता है तो मोहिनी बहन टोली भेजती है, तो ये टोली है। तो कल हमारी हारमोनी हाउस में बड़ा सेलिब्रेशन है, तो हम मना रहे हैं, तो बहुत सारी टोलियां बना रहे हैं। तो ये कौन सी टोली है, अरेक भाई पूछ रहे हैं। तो हमारी ये नट्स की टोली है और खजूर की टोली है। ये तो मधुबन की टोली है, लेकिन कौन सी वाली टोली है? तो ये बेसन की, चिकपी की टोली है, इसको क्या कहते हैं, बेसन की टोली है। हाँ जी, आपको मिलेगी।
Now we have our there will be a Zoom translation and soon there will be Toli. Have a Zoom translation ke saath Toli. Tomorrow they're giving a nice box of Toli. We will give you. कल एक अच्छा box मिलेगा Toli का तो हम Toli देंगे. Okay. Om Shanti. धन्यवाद.